India have registered an emphatic win in the Boxing Day test against Australia at the MCG. The visitors have won the second test by 8 wickets. Melbourne mein aaj test match ka chautha din tha aur Bharat is test match ko 8 wickets se jeeta. India has registered an emphatic win in the Boxing Day test against Australia. Ye badi khabar aapko bata de, Melbourne mein Bharat jeet gaya hai. 8 wickets se ye jeet gaya hai. 4 match ki test series 1-1 se barabar ho gayi hai. एडिलेड की धरती में अपना सब कुछ खो चुकी टीम इंडिया मेलबर्न के मैदान में कंगारुओं पर पलटवार कर देती है। अपने 8 विकेट की हार को 8 विकेट से जीत में बदल देती है। क्रिकेट की धरती में उस दिन एक ऐसा पलटवार होता है जिसकी उम्मीद ना तो कंगारुओं को थी और ना ही विश्व क्रिकेट को। टीम इंडिया के उस पलटवार से संपूर्ण विश्व हतप्रभ था। क्रिकेट पंडितों का बयान बदल चुका था। भविष्यवाणी कर रहा हर दूसरा क्रिकेट पंडित अब अपनी वाणी पर लगाम दे चुका था। जिस तरह उन्होंने लम्हा डाल के मारा है इसको हिंदुस्तान को, जैसे कहते हैं लम्हा डाल के लटा के, जैसे कहते हैं पंजाबी जबान में लम्हा डालना कहते हैं। आज हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए और दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि वो क्या कैपेबल हैं। हिंदुस्तान जीता क्यों है? सो काफ़ी सोचने के बाद मेरी बात में ये समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। एडिलेड टेस्ट मैच का तीसरा ही दिन भारत के लिए एक स्टैटिस्टिकल नाइटमेयर होगा। पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी और फिर इस बैटिंग लाइनअप की शायद पहुंच ही इतनी है कि आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। के प्लेयर्स थ्रू इंजरीज अवेलेबल नहीं थे, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने की जरूरत पड़ी। इन सब सिचुएशंस को सामने रखते हुए फिर भी भारत ने हिम्मत नहीं हारी। उस 36 ऑल आउट के बाद जो जख्म मिला उसके बाद ये खड़े हुए और सीखे। लेकिन उस पलटवार के बाद भी उस सीरीज में अभी भी बहुत कुछ बाकी था। कंगारू अपने घर में अपनी हार से बौखलाए हुए थे। उनके आंखों में बदले की आग साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्रिकेट के गलियारों में वो सीरीज अभी भी चर्चा का विषय थी क्योंकि उस सीरीज के अभी भी 2 मैच बाकी थे। टीम इंडिया मेलबर्न से सिडनी में दस्तक दे चुकी थी और उनके साथ दस्तक देती है उनकी मुसीबतें। खबर आती है कि उमेश यादव टीम इंडिया से बाहर हो चुके हैं। टीम इंडिया की अग्नि परीक्षा अभी भी जारी थी। पहले 2 मैचों में संपर्क से बाहर रहे हिटमैन अब टीम इंडिया के संपर्क में आ चुके थे। कंगारुओं की टीम में डेविड वार्नर वापसी कर रहे थे। ऐसे में सीरीज और सीरीज के बचे हुए मैच बेहद रोमांचक बन चुके थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे द डॉक्यूमेंट्री। द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड कहानी वाटर गावस्कर सीरीज के तीसरे मैच की। मैच का पहला दिन दोनों टीमों के कप्तान आमने सामने थे। आज कंगारू कप्तान अपनी आंखों में बदले की आग लेकर ग्राउंड पर उतरते हैं तो वहीं टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे अपने मंद मंद मुस्कान के साथ टॉस के लिए आते हैं। एक बार फिर से सिक्का कंगारुओं के पक्ष में गिरता है और कंगारुओं ने वही निर्णय लिया जो निर्णय उनका पिछले मैच में था। यानी कंगारू टीम एक बार फिर से पहले बल्लेबाजी करने वाली थी। चोटिल उमेश की जगह नवदीप सैनी का पदार्पण हुआ। इन्हीं कुछ बदलाव के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं। कंगारू इस बार नए ओपनिंग पेयर के साथ बल्लेबाजी करने आते हैं परंतु उनके शुरुआत में कोई बदलाव नहीं होता। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी उनका पहला विकेट मैच 6 रनों के स्कोर पर गिर जाता है जब टीम में वापसी कर रहे डेविड वार्नर कुछ खास कमाल नहीं कर पाते। लेकिन दूसरे विकेट के लिए लाभ हुसैन और बिल ने 50 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई। इन दोनों की साझेदारी टीम इंडिया के लिए अब सरदर्द बन चुकी थी। देखते ही देखते ये साझेदारी अब 100 रनों की हो चुकी थी। बिल का अर्धशतक बन चुका था। कप्तान रहाणे के चेहरे में निराशा साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी सीरीज का पहला मैच खेल रहे नवदीप सैनी ने कंगारुओं के दूसरे विकेट का पतन किया। बिल ने 110 गेंदों में 62 रनों की बेहतरीन पारी खेली लेकिन टीम इंडिया के सर से अभी भी खतरा कम नहीं हुआ था क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की दुनिया के 2 बेहतरीन बल्लेबाज क्रिकेट की धरती में अपने बल्ले से जौहर दिखा रहे थे। देखते ही देखते लाभ हुसैन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अब दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए परेशानी का विषय थी। दिन का खेल खत्म होते होते कंगारुओं ने 166 रन बना लिए थे और टीम इंडिया के खाते में थे सिर्फ 2 विकेट। तीसरे मैच का पहला दिन पूरी तरह कंगारुओं के पक्ष में रहा। अब बारी थी दूसरे दिन की। दूसरे दिन के खेल का आगाज भी कंगारुओं ने वहीं से किया जहां पर पहले दिन के खेल का अंत किया था। लाभ हुसैन और स्टीव स्मिथ कंगारुओं के लिए दीवार बन चुके थे। एक ऐसी दीवार बन चुके थे जो टीम इंडिया के लिए खतरा का विषय थी। स्टीव एक तरफ से भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा ले रहे थे वहीं लाभ हुसैन अपने बल्ले से अपने कला का जौहर दिखा रहे थे। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और 90 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे
मानस लाहुसैन। लाहुसैन को शतक की ओर बढ़ता देख रहाणे ने रविंद्र को आक्रमण पर बुलाया और जडेजा के आक्रमण के सामने लाहुसैन ने घुटने टेक दिए। स्टीव और लाहुसैन की जोड़ी टूट चुकी थी, लेकिन तब तक कंगारुओं की टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। अब कंगारुओं के खाते में 206 रनों का स्कोर था। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ अभी भी स्तंभ बने हुए थे। 70वें ओवर में स्टीव स्मिथ ने अपना अर्धशतक जमाया। कंगारुओं की टीम में कुछ रनों का इजाफा होता है और मैथ्यू पेट के रूप कंगारुओं के अगले विकेट का पतन होता है। जहां एक तरफ से कंगारू लगातार विकेट खोते जा रहे थे, वहीं स्टीव स्मिथ अभी भी जमे हुए थे। एक ऐसा वक्त आ चुका था जब कंगारुओं की टीम 255 रनों में अपने 6 विकेट खो चुकी थी, लेकिन कोई भी दूसरा बल्लेबाज स्टीव का साथ देने को तैयार नहीं था। 297 रनों पर 7 विकेट हो चुके थे। स्टीव ने उस सीरीज का पहला और अपने करियर का 27वां शतक जमाया। आखिर में स्टीव के रन आउट के साथ कंगारुओं के आखिरी विकेट का पतन होता है। पूरी कंगारू टीम 338 रनों पर सिमट चुकी थी। 338 रनों का पीछा करने उतरी टीम इंडिया मैदान में नए ओपनिंग पेयर के साथ उतरती है। इस बार टीम इंडिया की तरफ से क्रिकेट का हेडमैन और सुमन गिल उतरते हैं। इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों से इंडियन क्रिकेट प्रशंसकों को भारी उम्मीद थी। दोनों ने शुरुआत में कंगारू गेंदबाजों का सम्मान किया और देखते ही देखते रोहित और गिल ने 70 रनों की साझेदारी कर डाली। रोहित शर्मा हेजलवुड का शिकार होते हैं और थोड़ी देर बाद गिल भी अपने टेस्ट क्रिकेट करियर का पहला अर्धशतक जमा देते हैं। दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया 96 रनों पर अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। टीम इंडिया की ओर से कप्तान अजिंक्य रहाणे और टेस्ट क्रिकेट की दीवार चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे दिन का खेल टीम इंडिया के पक्ष में रहा। अब बारी थी तीसरे दिन के खेल की और देखना था कि तीसरे दिन का खेल किसके पक्ष में जाने वाला है। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है। टीम इंडिया कुछ रनों का इजाफा करती है कि कंगारुओं के उपकप्तान पैट कमिंग्स ने रहाणे का शिकार कर लिया। 117 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 3 विकेट खो दिए थे। बल्लेबाजी करने हनुमा विहारी आते हैं। विहारी भी कुछ खास कमाल ना कर सके और 142 रनों के स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं। धीरे धीरे टीम इंडिया पूरी तरह दलदल में फंसती जा रही थी। कंगारू एक बार फिर से टीम इंडिया पर हावी होने लगे थे, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी खबर थी कि टेस्ट क्रिकेट की दीवार चेतेश्वर पुजारा अभी भी मैदान पर थे। वहीं बिहारी के आउट हो जाने के बाद स्पाइडरमैन पंत आ चुके थे। पंत और पुजारा के बीच एक छोटी सी साझेदारी टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ तरसा रही थी। ऋषभ भी इस पारी में कुछ खास कमाल ना कर सके और 36 के स्कोर में हेजलवुड का शिकार बन चुके थे। अब आधी टीम इंडिया एक बार फिर से पवेलियन में बैठी हुई थी और चेतेश्वर पुजारा अकेले टीम इंडिया के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद खबर आती है कि चेतेश्वर पुजारा भी बिना स्कोर किए 195 के स्कोर में टीम इंडिया की दीवार ध्वस्त हो चुकी है और टीम इंडिया 195 रनों पर अपने 6 विकेट खो चुकी थी। कोई भी भारतीय बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था और देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया 244 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। इन हालातों में कंगारुओं के पास 94 रनों की बढ़त थी और टीम इंडिया एक बड़े हार की ओर बढ़ रही थी। विरोधी एक बार फिर से पलटवार करने के लिए तैयार थे। टीम इंडिया अपने बिछाए हुए जाल में फंस रही थी। अब कंगारुओं की फौज 94 रनों की बढ़त के साथ उतरती है। क्रिकेट के दिग्गजों को एक बार फिर से एडिलेड दिखाई देने लगता है। दूसरी पारी में भी कंगारुओं ने अपना पहला विकेट महज 16 रनों के स्कोर पर खो दिया था। तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते रविचंद्रन अश्विन एक्शन पर आते हैं और कंगारुओं के दूसरे ओपनर डेविड वार्नर को अपना शिकार बना लेते हैं। अब कंगारुओं ने 35 रनों पर 2 विकेट खो दिए थे। एक बार फिर से स्टीव स्मिथ और लाहुसैन टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनने वाले थे। दोनों ने शानदार खेल दिखाते हुए एक बेहतरीन साझेदारी निभाई। तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका था। कंगारुओं के पास 34 रनों की बढ़त थी और खाते में 103 रन। तीसरे दिन का पूरा खेल कंगारुओं के हित में रहा। अब बारी थी चौथे दिन की। चौथे दिन का खेल शुरू होता है। कंगारुओं ने फिर से वहीं से बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया जहां से तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था। दोनों ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ले रहे थे। लाहुसैन और स्टीव के बीच एक बार फिर से 100 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। टीम इंडिया इन दोनों बल्लेबाजों से बेहद परेशान थी और इन दोनों को आउट कर पाना टीम इंडिया के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अगर ये दोनों बल्लेबाज ग्राउंड पर रह गए तो टीम इंडिया को एक बड़ा लक्ष्य मिलने वाला था। स्टीव आराम से खेल रहे थे और लाहुसैन
सेन आक्रामक बन चुके थे। एक बार फिर से नवदीप सैनी आक्रमण पर आते हैं और लावसेन को आउट कर टीम इंडिया की उम्मीदों को जगा देते हैं। लेकिन तब तक कंगारुओं की पारी 300 रनों को पार कर चुकी थी। स्टीव स्मिथ अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे तभी रविचंद्रन अश्विन ने स्टीव को एक बार फिर से अपना शिकार बनाया। बेरहम बन चुके कैमरन ग्रीन भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। उनके इस भयानक पिटाई के बदौलत कंगारुओं की टीम 406 रनों की बढ़त बना चुकी थी। दिन का दूसरा सेशन खत्म हो चुका था और दूसरा सेशन खत्म होने के बाद कंगारुओं ने अपनी पारी घोषित कर दी। टीम इंडिया को तीसरा मैच जीतने के लिए 407 रनों का लक्ष्य मिला। ये लक्ष्य कंगारुओं के घर में किसी भी परिस्थिति में कम नहीं था, परंतु टीम इंडिया भी हर परिस्थिति में इस मैच को जीतना चाहती थी क्योंकि एडिलेड के हार के बाद टीम इंडिया अब नहीं हारना चाहती थी। टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा और गिल ने एक शानदार शुरुआत दी। दोनों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच 20 ओवर में 70 रन जोड़ डाले। गिल अपना शानदार खेल दिखा रहे थे, वहीं हिटमैन अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक बार फिर से अच्छी शुरुआत के बाद टीम इंडिया ने बैक टू बैक अपने 2 विकेट खो दिए। अब टीम इंडिया का स्कोर 92 पर 2 विकेट हो चुका था और क्रिस पर नई जोड़ी थी कप्तान अजिंक्य रहाणे और टीम इंडिया के दीवार चेतेश्वर पुजारा। इन दोनों से टीम इंडिया को भरपूर उम्मीदें थी। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका था। कंगारू टीम इंडिया से महज 309 रन आगे थे। टीम इंडिया 99 पर अपने 2 विकेट खो चुकी थी और मैच जीतने के लिए टीम इंडिया के पास 8 विकेट बाकी थे। संपूर्ण विश्व की निगाहें उस टेस्ट मैच के 5वें दिन पर अटकी थी। पूरी दुनिया ये नहीं समझ पा रही थी कि टीम इंडिया ये मैच जीतने के लिए जाएगी या फिर मैच को ड्रा कराने के लिए। 5वें दिन का खेल शुरू होता है। कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा अपने इरादों के साथ मैदान पर उतरते हैं। अजिंक्य रहाणे कुछ खास कमाल ना कर सके और नाथन लायन का शिकार बन गए। रहाणे के विकेट के साथ टीम इंडिया की उम्मीदें भी जा रही थी। क्रिकेट का हर पंडित ये मान चुका था कि टीम इंडिया के लिए मैच बचा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 5वें दिन कंगारू गेंदबाजों के 90 ओवर्स को खेल पाना टीम इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला था। लेकिन उस दिन क्रिकेट की धरती में एक फैसला लिया जाता है। ऋषभ पंत को हनुमा बिहारी से पहले बल्लेबाजी करने को भेजा जाता है। ये निर्णय संपूर्ण क्रिकेट पंडितों के समझ से बाहर था। कोई भी क्रिकेट का पंडित ये नहीं समझ पा रहा था कि टीम इंडिया मैच बचाने के लिए जा रही है या फिर मैच हारने के लिए। ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी करने आते हैं टीम इंडिया एक बेहद दर्दनाक स्थिति में होती है, और एक बार पंत ने बल्ला संभाला तो कुछ मिनटों बाद कंगारुओं को समझ आ चुका था कि ये मैच हमारे लिए बचाना बेहद मुश्किल है। जो दर्द जो तकलीफ टीम इंडिया को हो रही थी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के बाद, वही दर्द वही तकलीफ कंगारू महसूस कर रहे थे। जो जीत टीम इंडिया से दूर जा रही थी वही जीत अब कंगारुओं से दूर दिख रही थी। ऋषभ पंत ने कुछ मिनटों में सब कुछ बदल के रख दिया। ऋषभ ने महज 60 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ऋषभ का विस्फोटक रूप देखकर कंगारू सहम चुके थे। टीम इंडिया में जीत की उम्मीदें जाग उठी थी और कंगारू भी समझ चुके थे कि ऋषभ पंत के रहते हुए इस टेस्ट मैच को जीत पाना हमारे लिए नामुमकिन ही नहीं असंभव होने वाला है। कंगारुओं की पूरी फौज ऋषभ के आक्रमण से भयभीत हो चुकी थी। पंत और पुजारा ने 100 रनों की साझेदारी निभाई। भारतीय टीम का जो स्कोर 102 रनों पर 3 विकेट था वही स्कोर 202 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। सिडनी जीतने के लिए टीम इंडिया को 205 रनों की जरूरत थी, लेकिन 250 रनों के स्कोर पर पंत का ये प्रयास असफल रहा। 250 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया अपने 4 विकेट खो चुकी थी। लेकिन टीम इंडिया को झटका तब लगता है जब 88वें ओवर में चेतेश्वर पुजारा अपना विकेट खो देते हैं। चेतेश्वर पुजारा हेजलवुड का शिकार बन चुके थे। पुजारा के आउट होते ही टीम इंडिया की उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी थी। मैच में अभी भी 36 ओवर फेंके जाने थे और टीम इंडिया को जीत के लिए 132 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम इंडिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थी। खबर आती है कि रविंद्र जडेजा आज बल्लेबाजी करने नहीं आ पाएंगे। ऐसे हालात में हनुमा बिहारी और रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी कर रहे थे। मैच का 5वां सेशन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। कंगारुओं को ये विश्वास हो चुका था कि ये 5 विकेट और सीरीज में 2-1 से बढ़त हमें मिल जाएगी, लेकिन अश्विन और बिहारी समझ चुके थे कि अगर हमने अपना विकेट फेंका तो शायद हम सीरीज खो देंगे। एक सेशन का खेल अभी भी बाकी था और इस सेशन में 34 ओवर फेंके जाने थे। टीम इंडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो इस मैच को हार जाओ या फिर इस मैच को बचा लो। टीम इंडिया ने दूसरे ऑप्शन का चयन किया। टीम इंडिया मैच को बचाने जाती है। ऐसे हालात में कंगारुओं ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर बेहद भयानक आक्रमण किया। परिस्थितियां इतनी बिकट हो जाती हैं कि बिहारी से अब रन नहीं तोड़ा जा रहा था। अश्विन के पीठ में दर्जनों गेंदें लग चुकी थी। अश्विन भी दर्द से कराह रहे थे, लेकिन इस मैच को बचाने के लिए बिहारी और अश्विन ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। कमिंग्स और हेजलवुड अश्विन और बिहारी के शरीर पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज उस दिन
टीम इंडिया के लिए दीवार बन चुके थे, एक ऐसी दीवार बन चुके थे जिसे ध्वस्त कर पाना कंगारुओं के लिए मेल का पत्थर साबित हो रहा था। 33 ओवर लगातार गेंद फेंकने के बाद पूरी कंगारू फौज उस दीवार को तोड़ने में असफल रही। भारत के उन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कंगारुओं से लोहा लिया और तीसरे टेस्ट मैच को बचा लिया। हनुमा बिहारी ने उस दिन 161 गेंदों का सामना किया, वहीं अश्विन ने 139 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली। इस मैच में महत्व रन का नहीं, ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का था। अंत में कंगारू कप्तान टिम पेन ने मैच को ड्रॉ पर घोषित कर दी। टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों का ये समर्पण देखकर संपूर्ण विश्व टीम इंडिया की ताकत से भयभीत हो चुका था। अब ऐसे हालातों में बचा था इकलौता और आखिरी टेस्ट मैच। अगर उस टेस्ट मैच की कहानी आप हमारी आवाज में सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर यस लिख कर जाइएगा। और अगर आपने इस सीरीज के अगले दो मैच नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर इस सीरीज के अगले दोनों मैचों की पूरी कहानियां मिल जाएंगी। उन दोनों मैचों की कहानियों को आप हमारी आवाज में एक बार जरूर सुनो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी।